तो हे गाइज कैसे हैं आप लोग आई होप क्या आप अच्छी तो गाइज़ आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन सेटिंग्स के बारे में तो गाइज़ अगर मैं फोन के अंदर आप नोटिफिकेशन सेटिंग्स करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो कैसे करोगे वो मैं आपको बताने वाला बुलाऊँ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकों प्रेस करना आप मत भूलिएगा सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं चलिए गाइज़ हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले गाइस यहाँ पे अपने फोन की नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे हमारी नोटिफिकेशन सेटिंग्स हमारे सामने खुल के आ जाती है ओके तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अपने देखने को मिलने वाले हैं ओके okay. तो नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉक स्क्रीन ठीक है फ्लोडिंग नोटिफिकेशन और बैजेस तीन टाइप की आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलती है अब आप तीन टाइप की नोटिफिकेशन को जैसे जिसकी आप कस्टमाइज करना चाहिए कर सकते हैं अगर यहाँ पे हम लॉक स्क्रीन पे क्लिक करना चाहेंगे तो यहाँ पे हमारी लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी मतलब कि यहाँ पे आप जैसे एप्लीकेशन की स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर नहीं जाते नोटिफिकेशन जो हो रहा है जैसे मान लो इन एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन है और आप नहीं चाहते कि आपकी लॉक स्क्रीन पर आपको देखिए तो आप उसको ऐसे ऑफ कर सकते हैं आपकी ऑफ हो जाती है सेम चीज गाइज आप फ्लोडिंग नोटिफिकेशन क्लिक कर सकते हैं सेम चीज़ आप बैजेस नोटिफिकेशन क्लिक कर सकते हैं बट आप चाहते हैं कि आपको किसी भी एप्लीकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन ही ना आए तो यहाँ पर आप ऐप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको ऑफ कर देंगे अगर आप ऐसे इसको ऑफ कर देंगे तो आपको फिर इसकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी ही नहीं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइज आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो गाइज मिलते हैं आप सभी किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर